एक और बहुत बढ़िया कॉन्स्परेसी चलती है जबकि सिमसन्स को कहते हैं कि भाई उन्होंने सबसे पहले ही ओ भाई जो Simpsons. दुनिया में हो रहा है वो ऑलरेडी वो बना चुके हैं भाई सिमसन तो पागलपन है वो तो पागलपन है वो एक पॉइंट पे तो मैं जाओगे हाँ हाँ कर दिया होगा मेरे को नहीं सोचना है इस बार में क्योंकि दिमाग घूमने लग जाता है यार सोच के अम्... तो सिमसन्स कार्टून है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है सबसे लंबे शोज में से एक है तो कार्टून सीरीज में बहुत पहले के टाइम में कुछ चीज़ें दिखाई थी जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं उसके एक एपिसोड में बहुत पुराना एपिसोड है वो उसके अंदर उन्होंने फेस टाइम है ना हमारे आईफोन में होता है फेस टाइम वीडियो कॉलिंग वो दिखाया हुआ है ठीक है और उसी सेम एपिसोड में उन्होंने स्मार्ट वॉच भी दिखाई हुई है ठीक है वो एक बंदा होता है वो ऐसे फोन उसका खुलता है उसमें बात करता है ऐसे ये सालों पुराना है और सालों बाद एप्पल ने वो लॉन्च और ये एपिसोड कब टेलीकास्ट हुआ है 1990s में हां भाई बहुत बहुत पुराना बहुत पुराना है वो ये चीज हुई थी फिर उन्होंने काफी सारी चीजें और प्रेडिक्ट कर दी थी उन्होंने उन्होंने उनका एक एपिसोड और है कि जिसमें ट्रंप या कोई स्पीच दे रहे हैं आ, दो बंदे व्हाइट हाउस पे और एक यूएफओ आता है टकराता है उससे व्हाइट हाउस से नहीं नहीं ये दो दो चीजें वो कर दी कंबाइन कर दी एक एपिसोड है से उतर रहे हैं। ट्रम्प को बता दिया था उसका तो वो प्रेसिडेंट बन जाती है हाँ। तो वो बोलती है ना क्या कहते हैं ये पूरा इकोनॉमी वगैरह ये सिस्टम पूरा संभालना पड़ेगा क्योंकि हमसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प था वो सारा बिगाड़ के चला गया बहुत पुराना और उस एक एपिसोड में ना एक क्लिप है ठीक है ऐसे एस्केलेटर है ठीक है उससे ना नीचे ट्रम्प आ रहा है ऐसा हाथ हाथ में ये सालों बाद जब वो 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 बना ट्रंप, ट्रंप ऐसे ही एक उस था और वो हाथ था और वो है। और उसके अंदर शायद था कि आ, क्या कहते हैं जो कार्टून वाले एपिसोड में ना पीछे एक बंदा होता है बोर्ड लेके उसके हाथ से बोर्ड गिर जाता है ठीक है जो रियल फुटेज

तीन चीजों से एटम बनता है ठीक है फिर नाइनटीन सिक्सटी नाइन था शायद हिग्सबोजॉन है था एक साइंटिस्ट मैंने उसने बोला था कि भाई एटम के अंदर एक और चीज़ है जिसकी वजह से इसे मास मिलता है गॉड पार्टिकल नाम रख दिया था उसका ठीक है ऐसे करके तो ऐसे ऐसे थियोरी थी कोई प्रूफ नहीं था ठीक है उसके सालों बाद क्या कहते हैं सिमसन का एक एपिसोड था उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है सिमसन का हार्वर्ड हा, हा, है पता नहीं ऐसे कुछ नाम है तो वो साइंटिस्ट बन जाता है

उसके अंदर भाई घुमाए घुमाएटम क्लैश करे फिर पता चला कि हाँ गॉड पार्टिकल है उससे जाके कहीं उन्होंने इक्वेजन निकाली एक कि इतना मास होता है गॉड पार्टिकल का वो इक्वेजन और जो सिमसन में इक्वेजन थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, सेम। साइंटिफिक इक्वेशन जिसके लिए साइंटिस्ट ने हजारों करोड़ों खर्चे वो सिमसन में पहले थी अब ये चीज जब पूछी बोल रहे हैं कि मैथमेटिशियंस है हमारे उसमें राइटर्स में उसमें ये है बट स्टिल यार कम ऑन हजारों करोड़ों रुपए बच जाते मतलब हाँ। वो इतने सालों पहले का एपिसोड है अगर तुम मैथमेटिशियन भी हो इतने प्रिसाइज कैसे हो सकते हो कि इतने सालों बाद हजार करोड़ खर्च करें फिर एग्जैक्ट इक्वेशन निकले सही में और कोरोना वायरस में तो बट काफी क्लोज के हिसाब से भी लाइक कैसे हो सकता है वही तो उस टाइप तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कैसे लिख दिया और एक उनकी रील भी आती है बैलेंसी आगा का फैशन शो चल रहा है उसमें दो काले ड्रेस में लड़की आती है उसमें वही है एक रैम्प शो हो रहा है बैलेंसी आगा लिखा हुआ है दो मॉडल आ रही हैं ब्लैक कपड़ों में हाँ। और असली में भी सेम ही हुआ है मतलब हाँ। एक रैम्प शो हो रहा है जिसमे उन्होंने सिमिलर ड्रेस पहनी है बैलेंसी आगा का ही वो शो है तो वो भी वायरल हो रहा है क्योंकि भाई सिमसंस ने वर्ल्ड कप के मैचेस प्रिडिक्ट कर रखे हैं एक हुआ था क्या कहते है, है, उसके उसके है तो लेडी गागा परफॉर्म कर रही है, रही है। आ, दिखाया था। ना? तो लेडी गागा है ठीक है वो ऐसे है उसके रस्सी बंधी हुई है ठीक है और वो ऊपर उड़ती है ठीक है और ऐसे ऐसे गा रही है परफॉर्म कर रही है सब कुछ कर रही है सालों बाद सुपरबोल होता है उसके अंदर लेडी गागा परफॉर्म करती है सेम अच्छा सेम वही उसी तरीके से उड़ती है वो दोनों दो क्लिप साथ देखोगे ना तो मतलब उसमें ऐसा है जो कार्टून कैरेक्टर है उसका नाम हाँ। कुछ और है वो लेडी गागा नहीं बट उसकी उसके जो ए, मतलब बाल नहीं लेडी गागा ही थी शायद उसका नाम लेडी गागा मतलब मैं कह रहा हूं एपिसोड में वो नहीं है शायद बट

तो वह ऐसे मैगजीन उठाती है तो उसके अंदर एक बस होती है ठीक है उसके ऊपर नाइन सेंट्स लिखा होता है अच्छा। ठीक है नाइन सेंट्स और साइड में दो टावर होता है नाइन इलेवन और... न्यूयॉर्क लिखा होता है नीचे और वो सेम और पता नहीं कितने टाइम पहले आया था एपिसोड भाई साहब, अरे भाई तो ये भी प्रिडिक्ट कर दिया था सिंसन्स क्या चल रहा है यार ये सिमसन वालों का मैं कोविड भी किया था शायद हाँ कोरोना वायरस भी कर दिया हाँ कोविड भी कर दिया था अभी अभी के टाइम में वो नई नया है ना एप्पल का विजन प्रो हाँ हाँ वो भी प्रेडिक्ट कर दिया था अच्छा वो सेम दिखाया है सिमसन ने कि पहन के घूम रहे लोग अरे भाई।, भाई तो ये तो ऐसा लग रहा है जिस सिमसन सिमसन पिछले पांच छह साल से बहुत हो रहा है दो तीन साल से तो हो ही रहा है अब ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं या फिर कोई भी बड़े इवेंट होते हैं तो ये कुछ ना कुछ ये देख, पहले के, देख ये, के बना ले ले से तो से है। इनकी अपनी पीआर भी होती रहे। हो सकता है ये तो चलो अब के में हो गया लेकिन कर देगी। ये बात है वही तो ये है सिमसन तो बहुत बड़ी है और उन्होंने आगे के भी वॉर भी एक दो चार प्रे थे कि भाई उन्होंने प्रेडिक्ट करा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर थ्री हो सकती है

ये थोड़ा प्रजेक्ट करा जा सकता है ये तो मजाक में भी कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता यार। पर अटैक तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि वो है। अच्छा और अभी इस पे वन थर्ड उस कंट्री की ये, अच्छा। ये प्लान था अब ये प्लान कैसे था कि एक बहुत ही बिजार कंस्पिर थियरी है ठीक है ऑलमोस्ट हटा देने वाली बट सुनने में मजेदार है कि कभी बिल्डिंग्स में प्लेन घुसे ही नहीं थे अब ये थेरी कहाँ से आई ये थेरी इसलिए आई थी कि एक न्यूज़ फुटेज न्यूज पे दिखा रहे थे सब कुछ ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था कि प्लेन घुस रहा है वो तो एक चैनल के फुटेज में आया था कि ऐसे प्लेन जा रहा है ठीक है और क्रैश होने से पहले जस्ट बिल्डिंग से जा उसका एक विंग गायब है ठीक है और फिर वो घुसता है ठीक है पहली चीज हुई है प्लेन का विंग गायब है ऐसे फुटेज आप न्यूज पे देख रहे हो सपोज ठीक है बिल्डिंग है ऐसे प्लेड आ रहा है और क्रैश और ये यहाँ पे बिल्डिंग है क्रैश होने से पहले जस्ट उसका एक विंग आया हुआ है ठीक है तो यहाँ से सी जी आई प्लेन वाली चीज आई ठीक है दूसरी चीज एक एक फुटेज निकली थी कि बिल्डिंग है उसके अंदर ऐसे दिख रहा है कि प्लेन घुसा है और उसकी प्लेन की नोक जो है आगे की दूसरी साइड से निकली है ठीक है दूसरा एंगल से वो बिल्डिंग देखते हैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट ही नहीं है होल ही नहीं है बार्स दिख रहे हैं कि बिल्डिंग इंटैक्ट है वहां से

क्रैश करा और उसकी धज्जा उड़ गई लेकिन बिल्डिंग को वो पेनिट्रेट नहीं करा है ठीक है लेकिन जो अटैक हुआ था उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर गया है। कौन मतलब प्रॉपर बिल्डिंग को वो चीज़ पॉसिबल नहीं है उनके खुद के टेस्ट में दिया हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता तो ये थियरी आई थी कि जो प्लेन्स थे वो सी जी आए थे ठीक है ये थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली थेरी हो जाती है ठीक है इतना वो वो तो सॉलिड चीज़ नहीं है ये क्योंकि लोगों ने देखा है जाते हुए उनके खुद के कैमरा के भी फुटेज है तो इसको तो अब हटा सकते हैं एक थेरी ये है और ये तो दिस मेक्स सो मच सेंस कि ये क्यों हुआ था जो दोनों बिल्डिंग्स थी उसके साइड में एक तीसरी बिल्डिंग थी जहाँ पे फाइनेंसेस वगैरह डिस्कस होते थे कंट्री के इस अटैक वाले दिन से थोड़ा टाइम पहले ही ये डिस्कवर हुआ एक्चुअली एक दो दिन पहले ही कि भाई 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का हिसाब ही नहीं है अच्छा कहाँ गए किसके पास है हिसाब ही नहीं है और वो जो सारे रिकॉर्ड थे ना वो से एक बिल्डिंग में थे ऐसी कुछ थे ठीक है उसमें थे और जिस दिन ये डिस्कवर हुआ कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का हिसाब ही नहीं है उसके अगले दिन प्लेन्स घुस गए दोनों बिल्डिंग वो दोनों बिल्डिंग नीचे गिरी साथ में उस बिल्डिंग को भी ले गई अरे तो अगर टू ट्रिलियन डॉलर का हम हिसाब करें अगर मेरा इतना गड़बड़ होता मैं भी घुसा देता प्लेन

ठीक है पूरी नीचे तक तो गर्म नहीं हो जाएगी ठीक है नॉर्मल दिमाग लगाया तो वो बिल्डिंग ऐसे गिर रही है नीचे ढह गई बिल्कुल जैसे डिमोलिश की तरह वो गिर नीचे ठीक है तो इससे क्या सेंस बनता है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग के अंदर कुछ फट रहा है जिससे वो बिल्डिंग नीचे गिरी है डेमोलिशन में ऐसे ही होता है ठीक है तो जब ये अटैक हो रहा था ना तो उस टाइम पे जो लोग थे नीचे ठीक है उन्होंने खुद बोला है कि भाई हमने बॉम्ब सुने हैं ठीक है वहां पे जो फायर फाइटर्स थे वो भी चीख रहे थे अंदर बॉम्ब है बॉम्स है भागो भागो बॉम्ब्स पटे फिर बिल्डिंग क्लाब्स हुई क्योंकि वो क्लाब्स होना बहुत जरूरी था उसके लिए ये तो हमने भी देखा ट्विन टावर के साथ जो हुआ वही तो वही उन्होंने भी लगाए थे ट्विन टावर्स वाला ही सीन है भाई तो खतरनाक सीन है भाई ये तो कुछ भी कहीं लेना पड़ेगा यार क्या चल क्या है भाई आजकल एक और वो बड़ी वो ऐसा टर्म आ गया ब्लैक रॉक करके कोई कंपनी आ गई है ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास बहुत पैसा है हर जगह उनके, उनके स्टेक्स हैं और पैसा तो है लेकिन हर मेजर कंपनी जो हम यूज करते हैं उनका स्टेक्स है एमेजोन हाँ। उन सब के अंदर बहुत मेजर स्टेक्स है हाँ। हाँ। तो क्या होता है आपकी कंपनी आपके बहुत सारे स्टेक्स मैंने खरीद रखे हैं फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ठीक है तो आप कोई भी डिसीजन लोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हो ये बात करो अब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सब में है मेरे पास तो पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है मेरे पास कहीं ना कहीं तो ये चीज बोली जाती है कि जो ब्लैक रॉक वाली चीज है ये कहीं ना कहीं ये इल्यूमिनाटी है क्योंकि ये कंट्रोल कर सकते हैं पूरी दुनिया को इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है समथिंग 3.9 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स उससे भी ज्यादा इनफैक्ट तो ये तो हमें पता है पता है हाँ। ये तो ऑन पेपर है ये जो पब्लिक जो ये तो मैं बात जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और वो सच नहीं है हाँ। वो सच है ही नहीं, हो ही नहीं सकती में सही बात है इन्फॉर्मेशन पब्लिक वही तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है, है उसकी भी, fact, नहीं। हर कोई टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करता है तो वो किस लेवल पे कर रहे हो नाई क्लोज भी नहीं होगा ये तो सही में यार ये तो खतरनाक चीज है और ये ये बहुत की दुनिया ना बहुत बहुत अलग है बहुत अजीबो गरीब है और बहुत फन भी है लेकिन इंसान इस सोचता है ऐसे नहीं ऐसे लेकिन ऐसी कई तो बार सच बाहर आ जाता है ये बात भी सही है ऐसी सोचा किसी ने वो अटैक के बारे में तो अब अब इसी वजह से वन थर्ड कंट्री बिलीव कर रही है ना उस चीज में

मैंने पढ़ी और मैंने मेरे को इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक मैंने उस पर बनाई वीडियो ये सब कुछ है फिर मेरे को पता चला इस स्टोरी के बारे में जो है ये पीटर्स कली वाली स्टोरी ये रियल है ये हंड्रेड परसेंट रियल है और ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी मेरा दिमाग घूम गया था इन ये तीन वीडियो बनाई थी मैंने इस चीज पे ठीक है और एक वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई मैं चाहता हूँ दुनिया इस पॉइंट में खत्म हो जाए क्योंकि मेरा विश्वास उठ चुका है दुनिया से क्योंकि मेरा जेनुनली उठ गया था कि मैं क्या सुन रहा हूँ वो ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन बंदा था एक पीटस कली ठीक है तो बहुत अजीबो गरीब सा बंदा था वो ठीक है तो उसने पहले तो अपने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत सारे स्कैम करे काफ़ी सारी टू पॉइंट मिलियन थ्री मिलियन कितने का प्रॉपर्टी स्कैम करके वो भाग गया जब उसे पुलिस पकड़ जाएगी वो भाग गया फिलीपींस फिलीपींस भागा तो वहाँ पे उसने दो लड़कियाँ पकड़ ली ये मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ ठीक है तो दो लड़कियाँ पकड़ ली वो शुगर बेबी थी उनके साथ सब कुछ करता था ये सब कुछ करता फिर उसको पता था डार्क वेब कैसे चलता है थोड़ा पागल तो थो था ही थोड़ा क्या पूरा ही पागल था वो ठीक है तो उसने सोचा कि भाई मैं फिलीपींस में था बोला था भाई बच्चे पकड़ के लाओ उसके दोनों शुगर बेबी को ठीक है अब कोई किसी की छोटी सी बच्ची ले आए ठीक है ये बोल के कि हम इसका ध्यान रख लेंगे ठीक है किसी से किसी से खरीद ली बाय कर लिया ऐसा कुछ करके ठीक है वो लेके आया और भाई उसने उस छोटी सी बच्ची को

तो उसने बहुत बहुत टॉर्चर करा और उसकी वीडियोस बनाई थी अच्छा और वो सेल कर रही थी डार्क वेब पे दस दस हजार डॉलर में एंड लोग लेजिट ले रहे थे खरीद ही ये क्या बात कर रहे हो? मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितने दिमाग से हिले हुए लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में ये क्या चूतिए बारे में भाई बहुत सारे हैं ये ये क्वांटिटी में बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं भाई ये जिनको ये छोटे बच्चों में इंटरेस्ट होता है ये सब कुछ इनको ये वीडियोस चाहिए होती है स्नफ मूवीज कहते हैं इन्हें ठीक है जिनके अंदर मतलब मरे हुए लोगों के साथ डू थिंग्स एंड एंड यू यू रिकॉर्ड सेल वीडियोस स्नफ मूवीज होती है तो भाई ये आपके पास इन्फो आई कैसे मतलब ये बाहर कैसे आई बात की ऐसा कुछ हुआ है <laughs> पहले तो मैं डार्क वेब वे रिसर्च कर रहा था फिर मेरे को फिर मैं बुक्स वगैरह पढ़ने लगा तो एक बुक में तो पहले मैं बुक पढ़ रहा हूँ फिक्शनल तो नहीं है फिक्शनल तो नहीं है ये तो फिर मैं इंटरनेट पे रिसर्च करा फिर पूरे आर्टिकल्स से किसी ने बताया कि भाई ये बच्चों की लाश यहाँ गड़ी हुई है ये वो निकाला है वो हड्डियां निकली उनकी भाई तो ये तो भाई। दुनिया बहुत गंदी है बहुत गंदी है और अभी काफी लोग ये बोलते हैं कि ये रेड रूम्स वगैरह जो है ये इतना existing, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं ऐसे कुछ ये नहीं होता हाँ। बट ये, हो। हाँ। ये सब कुछ अगर हो रहा है और ये तो बहुत पुराना है कहीं ना कहीं तो होगा ना ऐसा कुछ भाई हो मेक सेंस और ये खुद ऐसा हैवान है जो ये हरकत कर रहा है और वो कैसे लोग हैं जो इसे खरीद रहे हैं यार तुम बता रहे हो टेन थाउजेंड डॉलर में ये बिक्री है वो जिनके पास लाइफ में कुछ बचा नहीं है करने का इसकी दुनिया ही अलग है इसका एक्सेस ही अलग लोगों के पास है आम लोगों से बहुत दूर है सोच ही नहीं सकते ये पर भाई अगर आप जैसे आपने एक्सेस करी हुई है डार्क में आपने देखा हुआ है मैंने नहीं देखा हुआ है ये डई डई नहीं। नहीं।, नहीं, नहीं नहीं ये देखना इलीगल है हाँ। मतलब अगर मैंने देखा भी होगा तो भी मैं अभी मना ही करूंगा कि मैंने नहीं देखा और मैंने जरूरी नहीं देखा मैं तो पढ़ के ही लिया था

इसलिए जो भी इंटरनेट पे भी जो बोलते है ना कि डार्क वेब को एक्सेस करना है तो ऐसा सिस्टम लो जिसमें जिस उनको काम करने की जरूरत नहीं है, भाई। वो बैंक खाली कर रहे है लोगों के भाई ये, लेकिन ये तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज है जो आप बता रहे हो इससे भयानक चीज क्या होगी भाई सही में यार क्या चल रहा है वही तो चीज है जो हम सोचते हैं ना कि हमें पता नहीं है और क्या होगा दुनिया में वो तब तक ही नहीं पता होता जब तक हमें पता नहीं चल को जब अरेस्ट कर लिया था ना, उसने उसके कारनामों के बारे में पता चला था? जेल वाले लोगों को भी जो अरेस्ट हो रखे बाकी और चीजों से वो उसे मारना चाहते थे अच्छा उन्होंने डाल दी डिमांड के भाई इसको फांसी सजा दे दो या फिर हमारे पास छोड़ दो हम मार देंगे उसको जेल में रख के भी सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी अकॉर्डिंग टू द लॉ पे कार्रवाई चल रही और जब वो जेल में था वो तब भी पैसे कमा रहा था उन्हीं से जो उसने बनाई थी बाप रे बताओ तब तो भी पैसे कमा रहा और मरा कैसे वो मरा तो नहीं है अभी भी है शायद अच्छा। पता नहीं मैं श्योर नहीं हूँ चेक करना पड़ेगा बट हाँ तो जेल में और जेल में डिमांड करता था हंसता था जब उससे पूछते थे कि भाई तूने क्यों करा उसको मतलब कोई गिल्टी नहीं चेहरे गिली नहीं पागल ही था हंड्रेड परसेंट में भाई साई को